दर्शकों को बता देते हैं की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देहरादून से सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। आज केवल 8 मंत्री शपथ लेंगे, ये देखिए एक और बड़ी खबर कि सिर्फ 8 मंत्री ही आज शपथ लेंगे, ये सूत्र ऐसा बताते हुए नजर आ रहे हैं कि केवल आज 8 मंत्री शपथ लेंगे। शिल्पा का रुख कर लेते हैं। शिल्पा, जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सिर्फ और सिर्फ 8 मंत्री ही आज शपथ लेंगे। बिल्कुल नलिनी, देखिए 8 मंत्री शपथ लेंगे, जानकारी अभी भी ताजा अपडेट हम तक आई है कि आज जो है 8 मंत्री जो है शपथ लेंगे। हालांकि बाकी तस्वीर जो है वो जल्द क्लियर हो जाएगी, 11 मंत्री वैसे होने थे लेकिन 8 मंत्री जो है मंत्री पद की शपथ आज लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन तस्वीरें फिलहाल आप देखिए क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पर से मुख्यमंत्री निकलेंगे, अभी लंच वो कर रहे हैं, इसके बाद जेपी नड्डा को लेने के लिए यहाँ पर निकलेंगे। हालांकि 12 बजे का समय यहाँ पर रखा गया था लेकिन थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हुआ है, लेकिन जरा तस्वीरें देखिएगा इंतजार। हम आपके पास रामानुज हमारे साथ बने हुए हैं, रामानुज का भी रुख कर लेते हैं। रामानुज, एक बड़ी खबर यहाँ पर आई है कि 8 मंत्री सिर्फ शपथ लेंगे, 11 का नाम था लेकिन उसमें अभी सिर्फ 8, ऐसा क्यों? बिल्कुल, आप इसके बैकग्राउंड को भी देखिए कि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं और उसमें से 11 मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री को लेकर मंत्रियों की संख्या 12 होती है। ऐसे में जो इस बार की चर्चा चल रही कि 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी संतुलन बनाने की कोशिश या वो रणनीति जिसके तहत उनके नाम पर सहमति ना बन पाई हो, ये भी हो सकता है कि बाद में उनका विस्तार किया जाए। लेकिन आप 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी इसी तरह की बात सामने आई थी और आप पूरे मंत्रिमंडल का एक साथ में विस्तार नहीं हुआ था। ये माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री के साथ में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर किस तरह के जो कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। आपको दिखाया कि बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए कि जो संत समाज के अब लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, अलग अलग अखाड़ों के संत पहुंचे हैं, लोग यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया हम उसका जवाब देते हैं कि पहले ये देखा जा रहा है कि आखिर 8 मंत्री मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री के तौर शपथ ले रहे हैं। इस पर हमने अक्सर देखा है कि जरूरी विभाग कई बार मुख्यमंत्री अपने पास रख लेते हैं, तो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि बाद में विस्तार हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा मंत्रिमंडल ना दिया जाए लेकिन जो जरूरी विभाग है वो मुख्यमंत्री के हिस्से ही रखे जाएं। 1931 में 23 मार्च को हमारे इस देश, हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है कि इस तरह की भी संतुलन बनाने के लिए कोशिश की जाए कि अभी फिलहाल पहले उन्हें बनाया जा रहा है कि जो पुरानी कैबिनेट में रही है यानी पुरानी सरकार में रही उनके नाम सामने आए, कुछ मंत्रियों को जो विधायक है उनको मंत्री बनाया जाए और इसके बाद इस कैबिनेट विस्तार के बाद दोबारा इसे कैबिनेट का विस्तार किया जाए और वो पूरे संगठन के साथ तालमेल बनाने के बाद भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके नजरिए से अगर हम आपको बताएं तो ये संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी, बैलेंस बनेगा कुमाऊं और गढ़वाल का, जातीय और क्षेत्रीय ये जरूरी होता है क्योंकि आप अच्छी ठीक है। आपके पास लौटेंगे जरा, शिल्पा का भी रुख कर लेते हैं, पुष्कर सिंह धामी वहां से रवाना होने वाले हैं। शिल्पा, अपडेट क्या आपके पास? बता दें सीधे यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर जेपी नड्डा को लेने पहुंचेंगे, उसके बाद परेड ग्राउंड पर। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम हाउस की तस्वीरें हैं। सीएम हाउस का में भीतर अभी फिलहाल लंच चल रहा था जैसे कि हमने आपको जानकारी दी और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जो है आपको नजर आने लगेंगे कैमरे में क्योंकि उनकी फ्लीट जो है यहाँ पर खड़ी हो चुकी है और यहीं पर से रवाना होंगे और उसके बाद सीधे यहाँ पर जेपी नड्डा को लेने के लिए पहुंचेंगे और फिर परेड ग्राउंड में आपको तस्वीरें नजर आएंगी, यानी कि भव्यता जो है आज आपको नजर आने लगेगी। और हम आपको बता रहे हैं जैसा कि जानकारी सामने निकल के 8 मंत्री जो है वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। बहरहाल हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जीत प्रदेश उत्तराखंड पर जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं और ये देखना होगा कि यहाँ पर महिलाओं को क्या कुछ मिलता है क्योंकि इस बार चर्चाएं काफी चल रही हैं। रेखारे की बात कर ली जा रही थी, खंडूरे की बात कर ली जाए तो ये वो चेहरे हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से दाव खेला जा सकता है रेखारे को, खासकर लेकर रितु खंडूरे जो की नई पारी यहाँ पर से शुरुआत कर सकती है, मंत्री पद उन्हें जो है दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक 2:35 पर तकरीबन ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और ये बता दें आपको तमाम बड़े चेहरे क्योंकि प्रधानमंत्री भी तकरीबन 2:30 तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल जरा तस्वीरें आप देखेगा क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है बस ये देखिए अब सिक्योरिटी जो है उनकी वो बाहर आ रही है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कुछ समय बाद ही यहाँ पर आपको नजर आने लगेंगे। तो सीएम हाउस की ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी इस बार इतिहास जो है वो पलट दिया है और वो इतिहास जो पलटा है इस बार वो वाकई में बहुत आश्चर्यजनक था क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे उत्तराखंड के इतिहास की अगर हम बात करें तो किस तरीके से कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आती रही है लेकिन इस बार युवा नेतृत्व को एक बार फिर से
केंद्र ने मौका दिया है, क्योंकि 6 महीने का मात्र समय यहाँ पर मिला था, लेकिन उन 6 महीने में बहुत कुछ ऐसा करके दिखा दिया कि एक बार फिर से केंद्र को यहाँ पर मौका मिला, एक बार फिर से मौका यहाँ पर दिया। और अब उम्मीदें लोगों की काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इंतजार फिलहाल हो रहा है, बस कुछ ही समय बाद वो आपको कैमरे में भी नजर आने लगेंगे। सीएम हाउस की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हलचले और ज्यादा तेज बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन हाथों में जरा देखिए गुलदस्ते किस तरह के लेके लोग खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का यहाँ पर। और सुबह से ही शिल्पा आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही आपके पास अपडेट होगा आप हमें बताइएगा, आपके पास में लौटेंगे। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, हमारे सहयोगी कुलदीप ने सुबोध उनियाल से खास बातचीत की, क्योंकि सुबोध उनियाल का नाम मंत्रिमंडल में शामिल है। देखिए इस वक्त मैं तस्वीर आपको यमुना कॉलोनी से दिखाना चाहूंगा। सुबोध उनियाल जी वरिष्ठ नेता बीजेपी के, वो इस वक्त अपने आवास में हैं, उनके समर्थक या उनके बीच में पहुंचे हैं, उन्हें बुके भेंट किए जा रहे हैं। ये तय माना जा रहा है कि वो अब से कुछ ही देर के बाद शपथ लेने जा रहे हैं, मंच पे वो नजर आएंगे, उनसे बातचीत भी मैं करूंगा। सर अब से कुछ ही देर के बाद सारे चेहरे तस्वीर साफ हो जाएगी, किस तरह की कैबिनेट रहने वाली है लोग जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपके जरूरत की सभी खबरें।